तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रोहित कुमार है। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। आज के इस वाले ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आने लगी है, जो कि ट्यूबलेस टायर है उनमें प्रॉब्लम आने लगी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ और चलता हूँ अपने बैक कैमरे की ओर। सबसे पहले तो देखो, टायर इसके ना पूरे मतलब ग्रिप ना पूरी घिस चुकी है। देखो देखो, मतलब अभी एक साल 3-4 महीने हो गए और टायर ना पूरे घिस चुके हैं इसके। और पीछे वाला भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें आगे वाला टायर है जो वो कितने का यार, 90x90 का है शायद। हाँ, इतने का ही है, 90x90 का है। और पीछे वाला टायर है जो 120x80mm का है। तो आप देख सकते हो पीछे वाली की भी ग्रिप ना इतनी घिस चुकी है कि मतलब स्किड हो जाती है, थोड़ी सी स्किड हो जाती है। और अगर रेस मारने पे, जब थोड़ी सी रेस मारने में फर्स्ट गियर पे इसको लेके जाते हैं तो पहिया स्किड कर जाता है, पूरा फिर जाता है एक ही जगह पे। तो टायर में एक और प्रॉब्लम आने लगी है, पापा बता रहे थे मेरे को, क्योंकि इसकी थोड़ी माइलेज ना कम देने लग गई थी। तो मतलब पापा कह रहे थे कि इसकी जो ट्यूबलेस टायर है वो इतने ख़ास अच्छी नहीं है, हवा पास हो जाती है इनमें से। तो इस वजह से पापा को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और अब भी आ रही है। अब हम पापा कह रहे थे कि इनमें ट्यूब डलवाएंगे, तो मैंने वैसे मना तो कर दिया है, लेकिन देखते हैं दूसरे टायर डलवाते हैं या फिर इनमें ही ट्यूब डलवाते हैं। वैसे जहाँ तक है तो वो टायर ही डलवाने की कह रहे थे वैसे, लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले तो मेरे को ट्यूब डलवाने की कहा था, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, वो हवा बार बार पास हो जाती है इससे और हमें डलवानी पड़ती है। मतलब 10-15 दिनों में, 15-20 दिनों में डलवानी पड़ती है पापा को, क्योंकि दब जाती है पूरी और माइलेज भी कम हो जाती है। आपको पता होगा कि माइलेज टायर के ऊपर होती है, और टायर में अगर हवा कम रखोगे तो माइलेज बहुत मतलब डिक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। और अभी हमें माइलेज ही वैसे बहुत कम दे रही है यार, पता नहीं क्या तो हो गया इसमें। फिर भी चलो देखते हैं, पर मैं आपको मेजर प्रॉब्लम बता रहा हूँ ट्यूबलेस टायर की, TVS अपाची RTR 180 की। तो इसमें से हवा निकल जाती है, हवा निकलने की वजह से दब जाती है, दबने की वजह से इसमें माइलेज कम हो जाता है पूरा। तो यही प्रॉब्लम आ रही है पवन को और मुझे भी लगता है, क्योंकि इसमें से हवा निकल जाती है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ बहुत दिनों से देख रहा हूँ, लगभग 3-4 महीने तो हो गए, पर इसका सॉल्यूशन अभी हो ही नहीं रहा यार। हम हर बार ही इसमें हवा भरवा लेते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया अभी इसका। तो चलो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपको सॉल्यूशन का पता हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, जिससे कि मेरे को थोड़ी हेल्प मिलेगी और शायद आपको पता होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं उस सॉल्यूशन को अपनाऊँ और अच्छे से इसमें हवा भर के रखूँ जो स्टेबल रह सके, क्योंकि स्टेबल नहीं रह पा रही है बिल्कुल भी। तो यही प्रॉब्लम आ रही है अभी इसको, एक साल तीन चार महीने हो गए, तो अभी से इसमें प्रॉब्लम आने लग गई है। तो और आगे देखता हूँ कि क्या क्या आती है, एक स्पेशली एक्सपीरियंस वीडियो भी आएगा इसका, कि क्या एक्सपीरियंस है मेरा और क्या नहीं है। तो करता हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।